दोस्तों 25 जनवरी 2023 को सेबी ने एफ एंड ओ ट्रेडर पर स्टडी करके एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें 89% एफ एंड ओ ट्रेडर को लॉस हो रहा था। और अब मीन्स 23 सितंबर 2024 को सेबी ने एफ एंड ओ ट्रेडर पर स्टडी करके एक और नई रिपोर्ट पब्लिश करी है, और इसमें 93% एफ एंड ओ ट्रेडर को लॉस हो रहा है। और मार्केट में टोटल 1 करोड़+ इंडिविजुअल्स ट्रेड करते हैं, जिसमें से 93% ट्रेडर को लॉस हो रहा है। और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड 24 में टोटल 8.8 लाख करोड़ रुपए का लॉस किया है। और एवरेज लॉस मतलब कि सेवी तो नहीं बता सकती कि सोनू ने 4,000 का लॉस किया, मोनू ने 2 करोड़ का किया। उसने एवरेज बताया है कि एवरेज लॉस 2 लाख रुपए पर ट्रेडर हो रहा है। वहीं जो टॉप के लॉस लॉस मेकर है 3.5%, जिसमें 4 लाख ट्रेडर आते हैं, उन्हें 28 लाख रुपए पर ट्रेडर लॉस हुआ है। और जो 7% लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल्स तो बहुत ही कम है। इंडिविजुअल्स ऐसे सिर्फ 1 ही% है जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। और एफ एंड ओ ट्रेडिंग से जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो दोस्तों इंस्टीट्यूशंस हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 33,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, और वहीं एफपीआई ने 28 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। इंस्टीट्यूशंस ने जो पैसा कमाया वो पैसा लॉस किया था इंडिविजुअल ट्रेडर ने, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो 61,000 करोड़ रुपए इंडिविजुअल्स ने लॉस किया है, वो सीधा पैसा इंस्टीट्यूशंस के पास ही गया है। और दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात ये है कि इंस्टीट्यूशंस ने जो पैसा कमाया है वो अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का यूज करके कमाया है। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का मतलब होता है सिस्टम के थ्रू ट्रेडिंग करना, मतलब यहाँ पर सिस्टम ही पहचान करता है कि कब ट्रेडिंग लेनी है और कब ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ऐसे टूल्स हैं जो उनको बताती हैं कि यहाँ से हम प्रॉफिट कर सकते हैं, और वो अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। हमें सिर्फ इंडिकेटर्स दिए जाते हैं जो कि लैग करते हैं, वो सही कुछ भी नहीं बताते। एफपीआई ने जितना भी पैसा कमाया है उसमें 97% एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का यूज करके पैसा कमाया है। वहीं प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने भी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का यूज करके 96% पैसा कमाया है। और सेबी ने यहाँ पर यही बताया है कि बिलो 30 मतलब कि 30 साल से कम वाले 43% लोग हैं जो कि एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे सेबी के पास ये डाटा तो होगा ही नहीं कि कुछ लोग 15 साल के भी हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स के डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग शुरू करी है। और जो एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें से 75% ट्रेडर्स तो ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। और वहीं अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो आप ट्रेडिंग को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सेबी का डाटा कहता है कि 75% ट्रेडर ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टाइम से ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, फिर भी वो ट्रेडिंग को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो ट्रेडिंग को कंटिन्यू करके रखे हैं यही होप लेके कि हमें आगे प्रॉफिट हो सकता है। और इसमें दोस्तों इंक्लूड मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी ट्रेडिंग करी थी तो मुझे ट्रेडिंग में लॉस हुआ, तो मैंने ट्रेडिंग को एकदम से बंद तो नहीं किया लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ। तो दोस्तों सेबी की रिपोर्ट से ये मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट निकाल के लाया हूँ, और पूरा रिपोर्ट अभी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर करके इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं, या फिर सीधा आप सेबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आप इसको तसल्ली से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।